हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोरीकल्चर विद अभनव माई सेल्फ अभिनव कुमार रिसर्च स्कॉलर ऑफ फोरीकल्चर एंड लैंडस्केपिंग आचार्य नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या से फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल्टिवेशन ऑफ मैरीगोल्ड की मैरीगोल्ड लूज फ्लावर की एक इंपॉर्टेंट क्रॉप है जिसका बहुत ही ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है तो इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे और परीक्षाओं में भी इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षाओं में मैरीगोल्ड से आते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और मैरीगोल्ड की खेती कैसे की जाती है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही में इसके इम्पॉर्टेंस पॉइंट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं मैरीगोल्ड कॉमर्शियल पोटेंशियल स्पीसीज एंड पॉटनिकल नेम फ्रेंड्स मैरीगोल्ड जो है वो टेगेटस जीनस के अंदर आता है और टेगेटस जीनस के अंदर थर्टी थ्री स्पीसीज पाई जाती है और 33 स्पीशीज में कुछ ही स्पीशीज जो होती हैं वो कॉमर्शियल पोटेंशियल के अंदर आती हैं जिसमें मैरीगोल्ड फ्रेंच मैरीगोल्ड सिंगल सिग्नेट मैरीगोल्ड स्वीट सेंटेड मैरीगोल्ड एंड वाइल्ड मैरीगोल्ड आते हैं तो अफ्रीकन मैरीगोल्ड को हम टेगेटस इरेक्टा बोलते हैं फ्रेंच मैरीगोल्ड को हम टेगेटस पार्टूला बोलते हैं और सिंगल सिग्नेट मैरीगोल्ड को हम टेगेटस टीनिफोलिया बोलते हैं और स्वीट सेंटेड मैरीगोल्ड को हम टेगेटस Lucida बोलते हैं और वाइल्ड मैरीगोल्ड को हम टाइम बोलते हैं देखिए इरेक्टा जो है हमारी वो हमारी अफ्रीकन मैरीगोल्ड होती है जिसको हम मैक्सिकन मैरीगोल्ड भी कहते हैं जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ठीक है और सिंगल सिग्नेट मैरीगोल्ड है वो इडेबल फ्लावर होता है उसका लेमन जैसा स्वाद आता है इसलिए उसको गार्निश करने के लिए डिशेज को यूज किया जाता है और स्वीट सेंटेड मैरीगोल्ड जो होती है उसको हम टेगेटस यानी कि हर्ब में यूज किया जाता है मेडिसिनल दवाइज बनाने में या डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट्स में यूज किया जाता है और वाइल्ड मेरी का बॉटिकल बॉडिकल टगेटस मिन्यूटा है और इसका यूज हम ऑयल के लिए करते हैं क्योंकि इससे एसेंशियल ऑयल की प्राप्ति होती है क्योंकि इसके प्लांट के अंदर हमें ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं और इसके ऑयल का यू हम मेडिसिनल में या तेल शोधन के कार्यों में करते हैं और बहुत से परफ्यूमरीज में भी इसका यूज किया जाता है और मैरीगोल्ड की जो फैमिली है वो एस्ट्रेसी है जो पहले कंपोस्टी थी मतलब कंपोस्टी का नाम चेंज होकर एस्ट्रेसी हो गया है इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा अगर परीक्षा में पूछेगा तो वहाँ पे आपको एस्ट्रेसी चॉइस करना होगा ऑप्शन और मेजर ग्रोइंग स्टेट जो है वो है कर्नाटका है तमिलनाडु है वेस्ट बंगाल है महाराष्ट्र है और जो मैरीगोल्ड का यूज होता है वो लूज फ्लावर्स में किया जाता है में किया जाता है और मेडिसिनल में किया जाता है

हाइट रेंज फ्रॉम 30 टू 110 सेंटीमीटर ये एक हरबेसियस एनुअल और पेरिनियल नेचर का प्लांट होता है जिसकी हाइट 30 से 110 सेंटीमीटर होती है और इसका जो कलर होता है मेरी गोल्ड स्कम्प इन वेरियस रेंज ऑफ कलर्स बट मोस्टली येलो एंड रो आर यूज अफ्रीकन मैरीगोल्ड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है कॉमर्शियल कल्टीवेशन थ्रू आउट दी कंट्री मतलब कि अफ्रीकन मैरीगोल्ड का जो कॉमर्शियल पर्पज है वो ज्यादा है इसलिए इसको पूरे देश में ग्रो किया जाता है यूज फॉर डेकोरेशन पर्पेज एंड डेकोरेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है रिजनल पर्पेज के यूज किया जाता है ठीक है फ्लावर आर मेनली यूज फॉर वर्शिप ऑफ गॉड मेकिंग गार्लैंड एंड फॉर अदर कॉमर्शियल इट आल्सो सुटेबल फॉर ग्रोइंग रॉक्स गार्डन हैंगिंग बास्केट एंड विंडो बास्केट्स फ्रेंच मेरीगोल्ड फ्रेंच मेरीगोल्ड का होता है इसको जाफरी गेंदा के नाम से भी जाना जाता है और इसका क्रोमोजो नंबर एट होता है फ्रेंच जो है है ये कम इस है और इसका ऑरिजिन जो है वो मैक्सिको है ठीक है फ्रेंच जो मैरीगोल्ड है उसकी मैक्सिमम स्पीसीज जो है उनका ऑरिजिन जो है वो मैक्सिको है ठीक है कलर की बात करें तो थाउजेंड ऑफ डिफरेंट कल्टिवर्ट इन ब्रिलियंट सेड्स ऑफ येलो एंड ऑरेंज

लंबा होता है और चौड़ाई में ये एक फीट तक होता है फ्रेंच प्लांट इज यूज इन कैंपेनियन प्लांटिंग मैरीगोल्ड के प्लांट को कई वेजिटेबल क्रॉप्स के साथ में उगाया जाता है इट्स रूट सिक्रेशन आर बिलीव्ड टू किल टू रिपेल हार्मफुल इंसेक्ट सच एज वाइट फ्लाई ऑन टमेटोज मैरीगोल्ड के पौधों की जड़ों से एक प्रकार का स्त्राव निकलता है जो जमीन के अंदर मौजूद निमटोस को मारने का काम करता है और टमेटो की क्रॉप को व्हाइट फ्लाइट से बचाने के लिए इन प्लांट्स को भी ग्रो किया जाता है जिससे कि व्हाइट फ्लाइट का अटैक कम होता है टेगेटस पार्टुला फोरेट्स आर ग्रोन एंड एन हार्वेस्ट एनुअली टू तो एड पोल्ट्री फीड टू गिव दोल्डन कलर फ्रेंच मैरीगोल्ड को मुर्गी पालन केंद्रों में मुर्गियों को खाने के रूप में खिलाया जाता है जिससे कि उनके अंडों का कलर जो है यानी कि का कलर जो है, वो डार्क हो सके बी यूज टू कलर ह्यूमन फ्रूट्स फ्लोरेट्स का उपयोग मानव खाद्य पदार्थों को रंग देने के लिए भी किया जाता है अ गोल्डन कलर डाई इज यूज टू कलर एनिमल बेस्ड टेक्सटाइल वुल्स एंड सिल्क टिक टेक्सटाइल पीले रंग की डाई का उपयोग पशु आधारित वस्तुओं ऊम रेशम को बिना मॉडरेट के रंगों के लिए किया जाता है लेकिन सूती और सिंथेटिक वस्त्रों के लिए मॉडरेट की आवश्यकता होती है सिंगल सिगरेट मैरीगोल्ड इसका बॉडिकल नेम टस टीनिया होता है इसका कॉमन नेम सिगरेट मैरीगोल्ड गोल्डन मैरीगोल्ड और लेमन मैरीगोल्ड कहते हैं लेमन मैरीगोल्ड और गोल्डन मैरीगोल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जब फ्लावरिंग में होता है तो गोल्डन कलर का लगता है और लेमन मैरीगोल्ड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो गार्निश किया जाता है डिशेस के ऊपर तो इसका जो टेस्ट आता है फ्लावर का वो लेमन के जैसा आता है क्योंकि एक एक एडेबल फ्लावर होता है एडबल फ्लावर उसमें मैरीगोल्ड में ये एक है इसको खाया जाता है और इसका स्वाद जो होता है जस्ट लाइक लेमन होता है स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड मैरीगोल्ड ये वाइल्ड मैरीगोल्ड की एक स्पीसीज है और इसका ऑरिजिन जो है मैक्सिको एज वेल एज सेंट्रल अमेरिका कोलंबिया एंड पेरू है मैरीगोल्ड कम इन ए वायटी ऑफ कलर्स बट मोस्टली येल्लो एंड ऑरेंज फ्लावरिंग इन द तो हो क्रॉप होती है और इसका येल्लो और ऑरेंज कलर का फ्लावर आता है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है की बात तो टेगेटस टेनुफोलिया इज एनुअल हर्ब समाइम्स रिचिंग एज मच एज फिफ्टी सेंटीमीटर टॉल लीव आर लेस देन थ्री सेंटीमीटर लॉन्ग डीपली डिवाइडेड इंटू मैनी स्मॉल पार्ट टेगेटस टेनुफोलिया एक एनुअल हर्ब है जो कभी कभी 50 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है ऊंचाई में और इसकी पत्तियां तीन सेंटीमीटर से छोटी होती हैं जिन्हें कई भागों में विभाजित किया जाता है अब हम बात करेंगे यूजेस की द प्लांट्स इडबल फ्लावर कैन बी यूज एज ए गार्निंग पर्पज बिकॉज ऑफ इट्स लेमन लाइक फ्लेवर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो फ्लेवर होता है लेमन की तरह होता है इसलिए इसका यूज गार्निश पर्पेज में किया जाता है Traditionally, the plant were decocted and used as a treatment for snake bites in Mexico, and the leaves were used as medicinal for bruises in Peru. परंपरागत रूप से पौधों का काढ़ा बनाया जाता है और मैक्सिको में सांप के काटने के उपचार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और पत्ती का उपयोग पेरू में चोट लगने के लिए दवाई के रूप में करते हैं

popular commercial flower grown throughout india because of the easy cultural methods widely adopted flower used to varying soil and climate condition long duration of flowering and attractive colors and कीपिंग को हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जलवायु और मिट्टी में उगाया जा सकता है तथा तो इनके फूलों की तोड़ने के बाद लंबी अवधि तक इनको रखा जा सकता है तथा तो इनके फूलों की जो गुणवत्ता होती है वो बहुत ही अच्छी होती है जिसकी वजह से मैरीगोल्ड की खेती हमारे देश में की जाती है मैरीगोल्ड इज ए कॉमनली ग्रोन इन गार्डन बोथ इन अर्बन एंड रूरल एरियाज फॉर कॉमर्शियल यूज ऑफ लूज फ्लावर्स मैरीगोल्ड को आमतौर पर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लूज फ्लावर के कॉमर्शियल पर्पज के कारण उगाया जाता है फ्रेंड्स मैरीगोल्ड के जो फ्लावर्स होते हैं उनका उपयोग भगवानों को चढ़ाने में उनका माला बनाने में और अदर कॉमर्शियल किया जाता है एज में और रॉक गार्डन हैंगिंग बास्केट और हरवेस बॉर्डर आदि के रूप में या गमलों में उगाए जाने के लिए सुटेबल प्लांट्स होते हैं द नेक्स्ट स्लाइड क्लाइमेट Marigold is generally grown in summer and rainy season at 15 degrees centigrade to 35 degree temperature. Through it can grow in wide range of climate in cold frost and in summer sunburn affect the plant and flowers. Temperature more than twenty six degrees centigrade to thirty six point five degrees centigrade affect plant growth and development adversely. मैरीगोल्ड आमतौर पर गर्मियों और बरसात के मौसम में 15 डिग्री से 35 डिग्री तापमान पर उगाया जाता है हालांकि ये ठंड में कोल्ड फ्रॉस्ट और सन गर्मियों में सनबर्न से पौधे और फूल दोनों प्रभावित होते हैं 36 डिग्री से अधिक तापमान होने पर पौधे की वृद्धि और विकास में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और पौधे को फ्रॉस्ट चिलिंग से बचाना चाहिए come to the next slide soil marigold can be grown in variety of soil having rich with organic matter and well drainage and irrigation facility loam and sandy loam soil is best for its cultivation the ph should be आसानी marigold. Marigold से उगाया जा सकता है जो की हाईली ऑर्गेनिक मैटर से रिच होनी चाहिए और अच्छी तरह से जल निकासी और सिंचाई की सुविधा उसमें उपलब्ध होनी चाहिए इसकी खेती के लिए दोमट और बलोई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है सबसे अच्छी रहती है और मिट्टी का पीएच पांच से साढ़े सात होना चाहिए लवणीय और अम्लीय मिट्टी में इसकी खेती नहीं की जाती है क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होती है देखिए मैरीगोल्ड जो है वो एक हार्डी नेचर की क्रॉप होती है उसको किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप लगा देंगे लग जाएगा और इसमें इतना ज्यादा टॉलरेंस होता है कि सेवन के पी एच की में भी आसानी से ग्रो हो जाती है कम टू नेक्स्ट स्लाइड इंपॉर्टेंट कल्टीवार ऑफ अफ्रीकन मैरीगोल्ड अफ्रीकन मैरीगोल्ड के कौन कौन से महत्वपूर्ण कल्टीवार हैं तो उसमें पहले नंबर पे आपका पूसा बसंती गेंदा है फिर दूसरे नंबर पे पूसा नारंगी गेंदा पूसा बहार एम डी यू वन लड्डू गेंदा और जेंट डबल अफ्रीकन डबल अफ्रीकन येल्लो क्रैक जैक क्लाइमेक्स डबल गोल्डन एज क्राउन ऑफ गोल्ड एंड इस पर गोल्ड ये जो कल्टीवार है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्टीवार है बट अब इससे क्वेश्चन ये बनता है कि कहीं कहीं आपका जब ब्रीडिंग से क्वेश्चन उठता है तो उसमें पूछेगा पूसा नारंगी गेंदा का कौन सा क्रॉस है पूसा बसंती गेंदा का क्रॉस क्या है तो उसमें मैंने आपको बता दिया यहाँ पे पूसा नारंगी गेंदा का जो क्रॉस है वो क्रैक जैक इंटू गोल्डन जुबली है पूसा बसंती गेंदा का क्रॉस जो है वो गोल्डन येल्लो इंटू सन जेंट है ठीक है तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा फिर उसमें पूछा जाता है नारंगी गेंदा से क्वेश्चन एक आता है कि उसमें कितना पाया जाता है तो इसमें मैं आपको बता दूं कैरिटोनाइट जो होता है तीन मिलीग्राम पर हंड्रेड ग्राम

हमारी जो इम्पोर्टेंट वैरायटी है वो क्राउन ऑफ गोल्ड है क्योंकि यह द बेस्ट न्यू फ्लावर अवार्ड जीत चुकी है उन्नीस में इसलिए आपको ये वैरायटी के बारे में भी यूज रखना है क्योंकि इसका जो ऊपर का पोर्सर होता है वो क्राइसेंथिम की तरह होती है और ये एक ऑर्डरलेस फोलियज वराइटी है फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको कुछ इमेज प्रोवाइड कराए हैं अफ्रीकन मैरीगोल्ड के कल्टीवार्स की तो जिनको आप देख के आइडेंटिफाई कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अब बात करेंगे फ्रेंच मैरीगोल्ड की तो फ्रेंच मैरीगोल्ड में जो पहला कल्टीवार है हमारा पूसा अर्पिता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि इसको बहुत से लोग फ्रेंच मैरीगोल्ड की जगह अफ्रीकन मैरीगोल्ड समझते हैं बट ये अफ्रीकन मैरीगोल्ड नहीं है फ्रेंच मैरीगोल्ड है क्योंकि ये एक टेट्रापोलाइट कल्टीवार है और अर्पिता का जो टेक्स्चर होता है वो देख रहे हैं बिल्कुल अफ्रीकन से मैच करता है लेकिन वो अफ्रीकन के अंदर नहीं आता इस बात का आपको हमेशा याद रखना अगर आपसे पूछेगा पूछा आप, तो वहां पे आपको फ्रेंच मैरीगोल्ड लिखना होगा फिर सेकंड नंबर पे आती है आपकी रेड रेड ब्रोकाडो रस्टी बटर और वेलेंसिया और लास्ट में आपकी आती है सुसेना यहाँ पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ फ्रेंच मैरीगोल्ड्स के इमेज दे दिए हैं जिसको आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें से बहुत सी वैरायटी ऐसी हैं फ्रेंड्स जिनको आप रोज देखते होंगे बट आप कभी उनका वैरायटी का नाम नहीं जानते तो आज यहाँ पे आप उन वराइटीज का आइडेंटिफाइड करके आप जान सकते हैं वो कौन सी वैरायटी है तो वीडियो को पॉज करके आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटर स्पेसीज हाइब्रिड्स की तो उसमें पहले नंबर पे आपके आती है नगेट्स सेकेंड नंबर पर पूसा संकर वन है थर्ड नंबर पर रेड एंड गोल्ड है और फोर्थ नंबर पर रेड सेवन स्टार है और लास्ट नंबर पे आपका So है ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट इंटर स्पीसी है हाइब्रिड्स की जिनको आप नोट कर सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे प्रपगेशन टेक्निक्स की तो मैरीगोल्ड को देखिए सीट से कॉमर्सली उगाया जाता है अगर कहीं से भी अगर कॉमर्सली करना है तो आपको सीट से किया जाता है और फिर कटिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें हरबेसियस कटिंग का यूज किया जाता है तो फ्रेंड्स मैरीगोल्ड को आप कटिंग और सीड से भी ग्रो कर सकते हैं बट आपसे कॉमर्सली पूछेगा कि कॉमर्स मेरी गोल्ड का प्रोपगेशन कैसे करते हैं तो उसमें आपको सीड का सिलेक्शन करना पड़ेगा तो फिर यहाँ सीड की बात करें तो सीड रेट जो होता है ग्राम टू सीड्स फॉर फॉर राइजिंग सीडलिंग हेक्टेयर सीड कैन बी सोन इन और ब्रॉडकास्टिंग मेथड सीड नीडेड टू बी कवर्ड विद लाइट सॉइल और सैंड और स्ट्रेन लीफ मोल्ड इन नर्सरी और मल्चेस फ्रेंड्स मैरीगोल्ड की सीडलिंग के लिए 800 ग्राम से डेढ़ के जी तक के हमको सीड की जरूरत होती है एक हेक्टेयर प्लांटिंग के लिए ठीक है अब जो सीड्स होता है उनको दो मेथड्स में लगाया जाता है या तो या आप लाइन में उनको लगा सकते हैं या फिर उनको ब्रॉडकास्टिंग मेथड यानी छिड़काव विधि से लगाया जा सकता है नर्सरी में और फिर उसको जब सीडलिंग हम लगा देते हैं उसको फिर हम हल्की परत से मतलब मिट्टी की हल्की परत से या रेते की हल्की परत से ढक देते हैं या फिर उसको मल से ढक देते हैं मल से ढकना ज्यादा बेटर होता है फ्रेंड्स इसलिए मैक्सिमम यूज होता है मल्च से किया जाता है क्योंकि वो वो आपका आप अच्छे से जानते हैं कि वो कंट्रोल करता है ठीक है, तो नर्सरी बेड्स की तो फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेंटीमीटर राइस बेस्ड आर यूज थ्री बाई वन मीटर साइज मिक्सड विद टेन के जी ऑफ वेल रोटेड एफ वाई एम पर स्क्वायर मीटर नर्सरी बेड शुड बी किस्ड वाटरिंग Accordingly. Friends, जो नर्सरी बेड होती है उसको 15 से 20 सेंटीमीटर जमीन से ऊंचा बनाना चाहिए और उसको तीन गुड़े वन मीटर के साइज में 10 के जी एफ एम जो होती है हमारी उसको पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग देना चाहिए और पहली इंपॉर्टेंट बात जो है कि नर्सरी बेड जो हमारी वो हमेशा नम रहनी चाहिए इसके लिए हमको रेगुलरली टाइमली वाटरिंग देनी चाहिए प्लांट्स में नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसप्लांटिंग थ्री टू फोर लीव स्टेज और आफ्टर ट्वेंटी डेज आफ्टर सोइंग ऑफ सीड्स मतलब कि तीन से चार जब टू टू टाइप मतलब जैसी मैरीगोल्ड की पत्तियां होती वैसी पत्तियां अगर दिखने लगे तीन से चार उस स्टेज पे करना चाहिए नहीं तो सीड बोने के बीस से 25 से तीस दिन बाद हमें ट्रांसप्लांटिंग करनी चाहिए सीडलिंग्स की next point is planting distance the seedling of marigold are planted at the distance of african marigold 14 to 30 centimeter french marigold is 13 to 30 centimeter and dwarf cultivar is 13 to 20 centimeter apart in the well prepared field having beds and irrigation channel as per connivance फ्रेंड्स मैरीगोल्ड में प्लांटिंग डिस्टेंस के लिए जो अफ्रीकन मैरीगोल्ड के लिए 40 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए फ्रेंच मैरीगोल्ड के लिए 30 गुड़े तीस सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए और डॉफ कटकार होते हैं बौने प्रजातियां जो होती हैं उनके लिए तीस गुड़े सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए और इनको चैनल इरीगेशन चैनल और बेट के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए फ्रेंड्स कम टू द नेक्स्ट लाइट सोइंग टाइम टाइम जो होता है मैरीगोल्ड का तीन सीजन में मैरीगोल्ड को कल्टिवेट किया जाता है रेनी सीजन विंटर सीजन समर सीजन ठीक है और जो रेनी सीजन में सोइंग टाइम होता है सीड्स का वो होता है एंड ऑफ जुलाई टू फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई ठीक है और उसके बाद जो ट्रांसप्लांटिंग टाइम आता है वो फर्स्ट फोर नाइट ऑफ अगस्त और विंटर सीजन में मिड ऑफ सितंबर होता है और ट्रांसप्लांटिंग टाइम जो होता है मिड ऑफ अक्टूबर होता है समर सीजन में जो होता है वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी होता है और ट्रांसप्लांटिंग टाइम लास्ट वीक ऑफ फरवरी होता है फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया कि स्वइंग टाइम के बाद ट्रांसप्लांटिंग कब करनी चाहिए जब थ्री टू फोर ट्रू लिवस आ जाए या पच्चीस से तीस दिन बाद

Feel 30 and 45 days after transplanting as top dressing. फ्रेंड्स मेरीगोल्ड के अच्छे उत्पादन वाले फूलों को प्राप्त करने के लिए 20 से टन सड़ी गोबर की खाद 120 किलोग्राम नाइट्रोजन 20, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटेशियम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स व्याम फास्फोरस और पोटास की जो मात्रा होती है उसकी पूरी मात्रा को खेत में खेत की तैयारी करते समय दे दिया जाता है तथा तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा को दिया जाता है आधी मात्रा को बचा लिया जाता है जो बची हुई मात्रा होती है उसको 30 से 45 दिन बाद प्रॉप ड्रेसिंग यानी कि छड़काव विधि के रूप में पौधों को दिया जाता है फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे इरिगेशन की तो इरिगेशन इज डन्स वंस इन अ वीक और व्हेन इट नेसेसरी मतलब कि इरिगेशन को सप्ताह में एक बार करना चाहिए या जब आवश्यकता हो तब करना चाहिए वाटर स्टेजनेशन शुड बी अवॉइडेड पानी के ठहराव से फसल को बचाना चाहिए पानी इसलिए बचाना चाहिए रुकने से क्योंकि अगर पानी रुक गया तो हमारी फसल जो है सड़के खत्म हो जाएगी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं इरिगेट द क्रॉप इन सेवन टू एट डेज इंटरवल बट द फ्रिक्वेंटली एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर आल्सो डिपेंड अपॉन सॉइल एंड सीजन इन लाइटर सॉइल मोर फ्रिक्वेंट इरीगेशन इज रिक्वायर्ड देन द इन हेवी सोइल 7 से 8 दिन के इंटरवल पर फसल को सिंचाई करनी चाहिए लेकिन जो पानी की फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी होती है वो मिट्टी और मौसम पर निर्धारित करती है हल्की मिट्टी की अपेक्षा भारी मिट्टी जो होती है उसमें ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है नेक्स्ट पॉइंट इज इन हॉट समर इज रिक्वायर इरिगेशन आफ्टर 4 टू 5 डेज इंटरवल बैंड एट 10 टू 15 डेज इंटरवल इन विंटर मंथ्स जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें चार से पांच दिन के अंतराल पे सिंचाई की आवश्यकता होती है जबकि सर्दियों में दस से पंद्रह सिंचाई करने की आवश्यकता होती है नेक्स्ट पॉइंट इज रेनी सीजन क्रॉप आर इरीगेटेड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट वर्षा ऋतु की फसलों को जलवायु के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए नेक्स्ट पॉइंट इन विंटर सीजन इरीगेशन सन इज नेसेसरी टू अवॉइड फ्रॉस्ट मतलब पाले से बचाने के लिए विंटर सीजन में इरिगेशन करना चाहिए जिससे पौधे हमारे पाले के प्रकोप से बच सके नेक्स्ट पॉइंट इज कांस्टेंट मॉइस्चर सप्लाई टू मेंटेन फ्रॉम बड फॉर्मेशन टू हार्वेस्ट ऑफ फ्लावरिंग कली के बनने से लेकर फूलों की कटाई तक लगातार नमी की आपूर्ति बनाए रखनी चाहिए ताकि जिससे हमारा कोई लॉस ना हो सके फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कल्चरल प्रैक्टिसेस की तो इसमें सबसे पहले आता है अर्थिंग अप थ्री वीक आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग अर्थिंग अप इज डन एंड देन वन वीक आफ्टर अर्थिंग अप और वन मंथ आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग द सीडलिंग जो अर्थिंग अप होता है जो मिट्टी मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया होती है वह ट्रांसप्लांटिंग के तीन वीक बाद किया जाता है फिर उसके बाद एक वीक बाद किया जाता है मतलब कि एक महीने बाद इसको

पूछा जाता है की विच फ्लावर नीट पिंचिंग तो इसमें मैरी गोल्ड ऑप्शन रहता है तो इसको आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए और कब कब की जाती है कौन से स्टेज पे की जाती है इसमें मैं बता रहा हूँ तो पिंचिंग जो की जाती है वो प्लांट को बुशी और कॉम्पैक्ट बनाने के लिए किया जाता है रोपाई के 40 दिन के बाद पौधों को पिंचिंग की जाती है जिससे कि अधिक फूलों की उपज प्राप्त हो सके दो सेंटीमीटर लंबे सूट्स के टर्मिनल हिस्सों हिस्सों को हटा दिया जाता है पिंचिंग के थ्रू जिससे कि साइड ब्रांचेस का फैलाव होता है और उनसे जो फ्लावरिंग होती है स्टार्ट होती है जिससे नंबर ऑफ फ्लावर्स हमको ज्यादा मिलते हैं फ्रेंड्स अगर पिंचिंग करनी होती है तो पिंचिंग जैसे एक हेक्टेयर में अगर पिंचिंग करनी है तो उसमें एक हेक्टेयर में तीन या चार पार्ट बना लेते हैं जिसमें अल्टरनेट डेज पे पिंचिंग की जाती है जैसे कि चार पार्ट अगर कर लिए तो हम चार बार में उसको पिंचिंग करते हैं एक प्लाट में एक बार करते हैं फिर उसके पाँच दिन बाद करते हैं दूसरे प्लाट में तीसरे दिन में दस दिन, दिन बाद करते हैं और चौथे प्लाट्स में पंद्रह दिन बाद करते हैं जिससे कि अल्टरनेट फ्लावरिंग होती रहती है और हमारा फार्मेड फ्लावर का नुकसान नहीं होता है फ्लावर मार्केट में अल्टरनेट डेज पे सप्लाई कॉन्ट कंटिन्यू होता रहता है नेक्स्ट पॉइंट इज वीडिंग थ्री टू फोर वीडिंग आर रिक्वाय फॉर इंटायर पीरियड केमिकल वीडिंग कंट्रोल इज आल्सो रिकमेंडेड मेथाइलिन सेकेंड इज निपिंग एंड टेपिंग थर्टी डेज आफ्टर प्लांटिंग टर्मिनल पोर्सन शुड बी टिप्ड रिमूव टू इंकरेज द ब्रांचिंग डिस

होता है प्रकार की मकड़ी होती है जो पौधे के चारों तरफ जाला बुन देती है जिससे की मतलब पौधे के फ्लावर की क्वालिटी होती है वो लूज हो जाती है मतलब की जब आप फील्ड में घुसेंगे तो आपके फेस पे या

थोडोन थर्टी फाइव ए सी एट रेट वन एम एल पर लीटर ऑफ वाटर जो ये हेरली कैटर पिलर होता है ये एक पॉलीफेगस कीट होता है और एक केटर पिलर जो होता है ये पत्तियों को खा जाता है न्यूली पत्तियां जो आती हैं गेंदे की उनको खा लेता है जिसकी वजह से हमको काफी लॉस होता है इसके कंट्रोल के लिए हम न्यूवा कोरान फोर्टी एसी या थार्टी फाइव ए सी वन एम एल पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करते हैं फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे डिसीज एंड कंट्रोल की तो डिसीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीज है वो है इसकी डंपिंग ऑफ है इट इज कॉस्ड बाय राइजिकोन सोनालाई एंड अपेयर एज ब्राउन न्यूक्रोटिक स्पॉट्स ग्लाइडिंग टू रेडिकल

ब्रेवन नोटिक स्पॉट के रूप में प्रकट होता है रेडिकल को घेरता है और जो बाद में प्लूमस तक फैल जाता है और जिसकी वजह से पौधे की मृत्यु हो जाती है फ्रेंड्स मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि जड़ और तने के बीच की जो गैप होता है नीचे जमीन से सटा हुआ होता है वहां पे एक ब्राउन कलर का स्पॉट पड़ जाता है जो कि जहां से पौधे में सड़न होने लगती है और पौधा वहीं से सड़के गल के मर जाता है तो जब ये पौधा मरते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई इन पे चढ़ के इनको मार के सारे पौधों को गिरा दिया है तो इस तरह

कारण रहती है अल्टरिया को नुकसान पहुंचाते हैं इनके जो सिम्टम्स होते हैं वो निचली पत्तियों पे भूरे रंग के गोलाकार धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं जो बाद में संक्रमण के बढ़ने पे पौधे के लिए हानिकारक होते हैं जिससे पौधे की मृत्यु भी हो जाती है इस रोग को कंट्रोल करने के लिए बैवेस्टिन एट द रेट जीरो पॉइंट टू परसेंट का छिड़काव करना चाहिए अब हम हार्वेस्टिंग और पैकेजिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग जो होती है आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग प्लांट टेक 40 टू 50 डेज आफ्टर फ्लावर फुल साइज फ्लावर्स शुड बी प्लक्ड प्लकिंग ऑफ फ्लावर शुड बी डन इन कूल आवर्स ऑफ डेज फ्लावर प्लकिंग शुड बी कवर्ड विद गनी बैग टिल नॉट सेंडिंग टू इन मार्केट फ्रेंड्स मैरीगोल्ड में जो फ्लावरिंग स्टार्ट होती है वो 40 से 45 दिन बाद ट्रांसप्लांटिंग के शुरू होती है और जो फ्लावर की तोड़ाई की जाती है वो फुल्ली मेच्योर फ्लावर्स मतलब कि पूरी तरह से खिले हुए फूलों की तोड़ाई की जाती है और जो फूलों की तोड़ाई करने का समय होता है वो सुबह के समय किया जाता है जहाँ पे ठंडा समय होता है ठंडा मौसम होता है और फिर इनको जब तक मार्केट नहीं भेजा जाता है तब तक, तक इनको गनी बैग्स के अंदर रखा जाता है पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग फ्लावर आर प्राइमली यूज्ड फॉर मेकिंग गार्लेन एंड हैंड्स प्लग्ड फ्लावर आर कलेक्टेड इन गली ब्लैक्स और बंबू बास्केट फॉर कैरिंग

होती है वो डैमेज हो जाती है जिसके बाद उनका कलर जो होता है येलो से ब्राउन कलर में चले जाते हैं जिससे कि हमारी क्वालिटी जो होती तो है फ्लावर की लूज हो जाती है और हमको लॉस होता है फ्रेंड्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड ईड ऑफ फ्लावर्स तो ईड ऑफ फ्लावर्स जो होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है तो एक तो अकॉर्डिंग टू सीजन है है और एक अकॉर्डिंग टू तो अकॉर्डिंग टू सीजन के अकॉर्डिंग रेनी सीजन में 200 सौ से दो सौ हेक्टेयर यानी कि 20 से 22 टन प्रति हेक्टेयर उपज की प्राप्ति होती है और विंटर सीजन में डेढ़ से एक सौ क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी कि पंद्रह से सत्रह साढ़े टन प्रति हेक्टेयर उपज की प्राप्ति होती है और वहीं पे समर की बात करें तो समर में हंड्रेड से एक सौ क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी कि दस से बारह टन प्रति हेक्टेयर उपज की प्राप्ति होती है जो कि सबसे कम होती है इसलिए समर्स में जो क्रॉप ग्रो की जाती है उसकी ईल्ड सबसे कम पाई जाती है अब हम बात करें अकॉर्डिंग टू तो इस से तो अफ्रीकन मैरीगोल्ड से 100 से सौ सेक्टेयर में 10 से होती है जो कि टन में, है, में 8 से 12 टन प्रति हेक्टेयर होती है और हाइब्रिड से डेढ़ से दो सौ क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज की प्राप्ति होती है जो की टन में पंद्रह से बीस टन प्रति हेक्टेयर होती है फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे मेरीगोल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो उसमें सबसे पहले है

Water logging and next point is male sterility in African marigold is due to female characters. और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो जेंटिक मेल स्टेलिटी इज वेरी कॉमन इन मैरीगोल्ड तो एक क्वेश्चन पूछता है कि जेंटिक मेल स्टेलिटी इज कॉम वेरी कॉमन इन तो आपको ऑप्शन दे देगा मैरीगोल्ड क्राइस रोज तो उसमें आपको ऑप्शन चूज करना होगा मैरीगोल्ड का एंड लास्ट पॉइंट इज पोटेंड्री टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पेबिलिटी फाउंड इन मैरीगोल्ड मैरीगोल्ड के अंदर जो होती है पोटेंड्री टाइप की सेल्फ इनकम्पेबिलिटी जाती है फ्रेंड्स तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने मैरी गोल्ड की कल्टिवेशन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जाना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो सब तक पहुंच सके फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय जय जवान जय किसान जय dan